हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IBPS RRB प्री का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। ये क्लास नंबर 15 होने वाली है। इससे पहले हम लोग 14 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं और उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिलॉगिज्म के बारे में, जिसे कथन और निष्कर्ष भी बोल दिया जाता है या न्याय और निगमन भी बोल दिया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 क्वेश्चन आपके 110% आएंगे आपके एग्जाम में। आजकल तो इनइक्विलिटी भी आता है और सिलॉगिज्म भी आता है, दोनों पूछे जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो संभावना वाले क्वेश्चन होते हैं ना, पॉसिबिलिटी वाले, वो क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं। तो आप एक बार वीडियो को कम्प्लीट देख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें बता दिए हैं और बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको एग्ज़ाम में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप लोग अभी भी मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो ना, तो यार आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट के हमारे पास कितने दिन बचे हैं, लगभग 18 से 20 दिन बचे हैं, और 18 से 20 दिन में लगभग 15 से 20 मॉक टेस्ट तो हमें लगाने ही होंगे। मॉक टेस्ट कौन से लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है परीक्षा ऐप, और परीक्षा ऐप के आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। इसको डाउनलोड करने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जो आप ये कूपन कोड है GRAMGOBI40, इसको यूज़ करोगे तो 40% का डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिएगा, RRB ऑफिसर स्केल 1 के वहाँ पे टेस्ट है, अवेलेबल हैं, और आपको यही वाले परचेज़ करने हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट होने वाले हैं ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लेवल के टेस्ट होने वाले हैं। मल्टीपर्पज़ वाले या ऑफिस असिस्टेंट वाले परचेज़ मत करिएगा, सिर्फ ऑफिसर स्केल 1 वाले परचेज़ करने हैं। कैसे परचेज़ करने हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल लिखी हुई है, तो इनको ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। और लास्ट के जो 20 दिन बचे हुए हैं इनमें 20 मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगा के जाइएगा। चलिए, आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ, जो कि हमारा सिलॉगिज्म का होता है, और आई होप आप लोगों को पहले से पता भी होगा, और अगर नहीं पता है तो एक बार चलिए जल्दी से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा, एक केस बनता है हमारा सभी वाला, यानी कि ऑल वाला। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से होता है, ऑल ए आर बी, सभी जो ए हैं वो बी हैं, सभी ए बी हैं। इसमें जो डायग्राम बनता है वो हमारा किस तरीके का बनता है। अब देखिए, जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है उसमें मैंने ए को यहाँ पर बनाया हुआ है और बी को मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है। इसका मतलब जो ए है वो बी के अंदर आ चुका है कंप्लीट, क्योंकि सभी ए क्या है, बी है। इस तरीके से आप बना सकते हो। आप इस तरीके से भी बना सकते हो इसको कि ये हमारा ए है और ये वाला हमारा हो गया बी। दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हो। मुझे हैबिट इसकी हो चुकी है तो मैं इसको लेकर चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ का और बेनिफिट मिल जाता है मुझे। कभी कभी वो बोल देता है कि सम ए आर सी, कुछ ए जो है वो सी भी है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से बना देता हूँ सी के लिए। तो ये मुझे बेनिफिट लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से बनाता हूँ। अगर आपको ये वाला लगता है तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो। चलिएगा, नेक्स्ट जो केस है वो भी बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट जो केस है वो आता है हमारा सम वाला, यानी कि कुछ वाला। इसमें होता है सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है। तो इसमें किस तरीके से डायग्राम बनता है, इसमें इस तरीके से बनता है, जो ए है वो इस तरीके से बन जाएगा और जो बी है वो इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें जो कॉमन पार्ट होता है ना, ये वाला वो पार्ट है जो कि ए में भी है और बी में भी है। तो वो जो बोल रहे हैं ना कि सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, तो वो ये वाला पार्ट होने वाला है। इंपॉर्टेंट था, और इसी तरीके का डायग्राम बनेगा इसमें, और कोई दूसरे तरीके का नहीं बनने वाला है, तो इसको फॉलो करिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट केस के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो केस है वो है नो वाला, यानी कि कोई नहीं। इसमें बोला जाता है कि नो ए इज़ बी, कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि ए और बी का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ए को हमने इस तरफ बना दिया और बी को हमने इस तरफ बना दिया, और बीच में क्या किया हमने, इन दोनों को मिलाकर क्रॉस कर दिया, यानी कि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ से ये कंफर्म हो गया, इसका भी यही डायग्राम बनेगा, इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं बनेगा। चलिएगा, डायग्राम हमने समझ लिए किस तरीके से बनने वाले हैं, तो आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, बट जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको बेनिफिट देने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें कथन ये बोल रहा है कि सभी सूर्य क्या है, चंद्रमा है, और कुछ सूर्य क्या है, ग्रह है। ऑल सन आर मून और सम सन आर प्लैनेट। इस तरीके से आपका जो कथन है, जो लिया दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो इस तरीके से है। और जो आपके निष्कर्ष हैं, यानी कि जो आपके कंक्लूजन है, वो कुछ इस तरीके से हैं कि सभी चंद्रमा सूर्य हैं और कम से कम कुछ चंद्रमा ग्रह हैं। ऑल मून आर सन और सम मून आर प्लैनेट। अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, वो आप लोगों को एक बार ट्राई करना है बनाकर। अभी ट्राई कर लो, वीडियो को यहीं पॉज करके क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ और जवाब देने की कोशिश करना कि इसमें कौन सा सही है। जो निष्कर्ष है, जो हमारे कंक्लूजन है, उसमें क्या ओनली वन सही है या ओनली टू सही है, कौन सा सही होगा, या फिर बोथ रॉन्ग है, या इधर वाला केस लग रहा है, इधर वन सही होगा और टू सही होगा, इस तरीके से। तो एक बार आप डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर कर लो, और अगर कर लिया तो चलिए हम भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बनने वाला है।
अब देखिए उसने क्या कहा है, सभी सूर्य चंद्रमा है, ऑल सन आर मून। तो ऑल सन आर मून के लिए मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले मैंने सन बनाया, यहाँ पर मैंने सन बना दिया, और उसके बाद में ऑल सन आर मून, तो सभी के सभी जो सन है वो मून है। तो मैंने फर्स्ट वाला जो केस था उसी की तरह मैंने इसको बनाया, ताकि मेरे पास में एक्स्ट्रा एक और थोड़ा सा गैप मिल जाए मुझे, अगर जो नेक्स्ट वाला जो हमारा कथन है उसमें अगर कुछ सन से रिलेटेड दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, मून को इस तरीके से बना दिया, और ये जो है इसने पूरा कवर कर लिया है, तो सन जो है वो इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि सम सन आर प्लेनेट, कुछ सूर्य है वो ग्रह हैं। तो ये रहे मेरे पास सन, और इसमें से मैंने ही कुछ चूज़ कर लिए प्लेनेट, इस तरीके से हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखिएगा डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में बोल रहा है सभी चंद्रमा सूर्य हैं, सभी चंद्रमा सूर्य हैं, ऑल मून्स आर सन। तो मून कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, और सन कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। लेकिन क्या सभी मून जो हैं वो सन के अंदर आ रहे हैं, सभी के सभी जो चंद्रमा है वो सूर्य के अंदर हैं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना चंद्रमा का, मून का, वो सूर्य के अंदर तो है ही नहीं। तो इसलिए फर्स्ट वाला जो है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है, सम मून आर प्लेनेट, कुछ चंद्रमा जो है वो ग्रह हैं। तो देखिए चंद्रमा कहाँ पर है, ये रहे चंद्रमा, सारे के सारे मून जो है यहाँ पे, और प्लेनेट जो है वो यहाँ पे। क्या कॉमन पार्ट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब जो सेकंड वाला केस होगा वो हमारा सही हो जाएगा, सम मून आर प्लेनेट, कम से कम कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, ये वाला केस हमारा बिल्कुल सही हो गया। चलिएगा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ मोबाइल टैबलेट हैं, कथन दिया हुआ है कुछ मोबाइल टैबलेट हैं, और कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है। सम मोबाइल आर टैबलेट, नो टैबलेट इज कंप्यूटर। और उसके बाद में निष्कर्ष है, कोई मोबाइल कंप्यूटर नहीं है, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, नो मोबाइल इज कंप्यूटर, सम मोबाइल आर कंप्यूटर। तो एक बार आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है और ट्राई करना है इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग। और अगर ट्राई कर लिया हो वीडियो को पॉज करके, तो चलिए हम लोग भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा ना वो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले उसने क्या बोला है, कुछ मोबाइल टेबलेट हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा मोबाइल, और इसमें से कुछ टेबलेट हैं, तो कुछ के लिए मैंने ये वाला केस बताया था आपको, सम मोबाइल आर टेबलेट। तो सम के लिए ये वाला जो पार्ट है कॉमन आ रहा है, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा डायग्राम। चलिएगा नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है। तो अगर नो वाला केस होगा, तो मैंने बताया था कि दूसरी जगह पे हम कंप्यूटर बनाएंगे और बीच में एक लाइन खींच के क्रॉस कर देंगे इसको। अब टैबलेट का और कंप्यूटर का कोई भी रिलेशन नहीं है, इतना हमें पता लग गया है यहाँ पे। बट यहाँ पे एक और चीज़ हमें साथ साथ पता करनी होगी कि जो मोबाइल है उसका और कंप्यूटर का, इसका भी रिलेशन हमें नहीं पता है। ये होने वाला है या नहीं होने वाला है ये भी हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ और सिर्फ टैबलेट के बारे में पता है। टैबलेट में जो मोबाइल का हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये मोबाइल का भी है और टैबलेट का भी है। तो अगर ये टैबलेट के अंदर आ गया है ना, तो इसका इस हिस्से का भी कोई लिंक नहीं है कंप्यूटर के साथ में, ये चीज़ भी यहाँ पे कंफर्म हो जानी चाहिए। अब चलिए निष्कर्ष पे चलते हैं, कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं। वो बोल रहा है कि नो मोबाइल इज़ कंप्यूटर, कोई मोबाइल कंप्यूटर नहीं है। मोबाइल और कंप्यूटर का मैंने अभी बताया कोई रिलेशन हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग इसको मना कर ही नहीं सकते। चलिएगा सेकंड बोल रहा है कि कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं। तो पहले वाले में तो वो क्या बोल रहा है, नहीं है, और दूसरे वाले में बोल रहा है। तो आपके पास क्या केस बन सकते हैं दो, आपको अगर पता ही नहीं है मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में कुछ, तो या तो वो कुछ होंगे या फिर कुछ नहीं होंगे, बस दो ही तो केस बन सकते हैं, और दोनों इसने पूछ लिए। तो या तो पहला वाला सही होगा या फिर दूसरा वाला सही होगा, यानी कि इधर वाला केस लग जाएगा, इधर वन और टू, या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। प्री लेवल का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना, प्री लेवल में आपको इतने लेवल के एग्ज़ाम क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा परेशान मत होना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन है, कुछ मर्सिडीज़ BMW हैं, कुछ BMW फरारी है। सम मर्सिडीज़ आर BMW, सम BMW आर फरारी। तो निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है, कुछ मर्सिडीज़ के फरारी होने की संभावना है। अब संभावना वाला केस आ गया यहाँ पे, तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आता ही है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम मर्सिडीज़ आर फरारी, कुछ पॉसिबिलिटी है जिसमें मर्सिडीज़ क्या होंगी, फरारी होंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, और अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिया है और आंसर आपने लिख लिया है, बस आपको इतना बताना है कि ये वाला पॉसिबल है या नहीं है, बस इतना सा आपको बताना है। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ मर्सिडीज़ BMW है, तो मैंने सबसे पहले क्या बनाई, मर्सिडीज़ बना दी, और कुछ वाला केस था तो मैंने मर्सिडीज़ और BMW का कुछ कॉमन हिस्सा लेते हुए बना दिया, बन गया हमारा। उसके बाद में बोल रहा है कि सम BMW आर फरारी, तो BMW और फरारी में भी कुछ हिस्सा कॉमन होने वाला है, तो मैंने ये वाला हिस्सा कॉमन बना दिया। यहाँ पर ये वाला हिस्सा कॉमन है और यहाँ पर ये वाला हिस्सा कॉमन है, दोनों के दोनों आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम, आई होप। उसके बाद में बोल रहा है कि कुछ मर्सिडीज़ के फरारी होने की संभावना है क्या,
क्या आपको मर्सिडीज़ और फरारी के बारे में कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता है। तो क्या संभावना वाला केस यहाँ पे लग सकता है? बिल्कुल केस तो लग सकता है, बट ये वर्क कैसे करेगा, आपको सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को? देखिए, कभी भी आपके पास पॉसिबिलिटी आए ना, संभावना है, तो उसको क्वेश्चन से हटा दो। आपको पढ़ना ही नहीं है, संभावना यहाँ पे है ही नहीं। संभावना वाला जो वर्ड है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है, इसको भूल जाओ। अब पढ़ो, कुछ मर्सिडीज़, इस के को भी भूल जाना, कुछ मर्सिडीज़ फरारी हैं, बस इतना सा आपको पढ़ना है। कुछ मर्सिडीज़ फरारी हैं, सब मर्सिडीज़ आर फरारी। तो क्या आपको मर्सिडीज़ और फरारी दिख रही है यहाँ पे? दिख तो नहीं रही है, लेकिन क्या यहाँ पे मर्सिडीज़ फरारी के लिए उसने मना किया है? मना भी नहीं किया। इसका मतलब हो सकती हैं ये, हमें नहीं पता है ना, कुछ भी तो हो सकती हैं। तो पॉसिबिलिटी वाला जो केस है ना, वो यहाँ पे वर्क कर जाएगा, यानी कि कुछ मर्सिडीज़ के फरारी होने की संभावना है, और ये वाला जो केस है ये सही होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है मर्सिडीज़ और फरारी के बारे में कुछ भी। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी को हमेशा, जब हमें पता नहीं होता है तो उसको हमेशा करेक्ट मानेंगे। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा पॉसिबिलिटी का भी। चलेगा, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आपके लिए है ये क्वेश्चन, कुछ बोतल मग है और कोई कप मग नहीं है। सम है ये, सिम में लिख दिया, मिसप्रिंट हो गया। सम बोतल आर मग और नो कप इज़ अ मग, इस तरीके से आपको करना है। अब निष्कर्ष क्या है, कोई बोतल जो है वो कप नहीं है, और कम से कम कुछ मग जो हैं वो बोतलें हैं। नो बोतल इज़ अ कप, सम मग आर बोतल। ये जो निष्कर्ष है ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा, ओनली वन, ओनली टू, बोथ करेक्ट, बोथ फॉल्स, इस तरीके से आप लोगों को बताना है यहाँ पर, या फिर इधर वाला केस लगने वाला है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।